हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए एक सरकारी बैंकों से ऋणी किसानों के लिए एक मुश्त निपटान स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने की 4,750 करोड़ रुपए की राशि माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने किसान द्वारा सहकारी बैंकों से लिए गए मूल ऋण की अदायगी करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 करने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के 12वें दिन भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्याज और जुर्माने की 4,750 करोड़ रुपए की राशि माफ करने की घोषणा की। कि आपको बता रहा हूँ, पहला है पैक्स। पैक्स के अभी तक 13 लाख फार्मर्स ये लोनी है, जिसमें से 8.25 लाख ये एनपीए हो गए हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन अब आगे बंद है। तो उसमें कुल मिलाकर के उनके ऊपर 7% इंटरेस्ट लगता है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 3% सेंट्रल गवर्नमेंट नाबार्ड द्वारा दिया जाता है, और फेलियर के केस में 5% पेनल्टी भी लगती है। तो ऐसा 12% का इंटरेस्ट ये बढ़ते बढ़ते कुल मिलाकर काफ़ी बड़ी अमाउंट ये पेंडिंग हो गई है। तो अब हमने विचार ये किया है कि इनका जो 4% है स्टेट गवर्नमेंट का, वो तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, उनको हम फ्री कर रहे हैं। 5% जो पेनल्टी है वो भी माफ़ कर रहे हैं पूरी, और जो 3% नाबार्ड देता था उसको अब 3% को 1.5% गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी 1.5% पैक्स बियर करेगा, क्योंकि पैक्स के द्वारा लोन लिया गया है। तो 1.5% पैक्स और 1.5% गवर्नमेंट, अर्थात अब पूरे का पूरा इंटरेस्ट माफ, पूरे की पूरी पेनल्टी माफ। अब केवल किसान को जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है वही उसकी तरफ ड्यू है, उसको जमा करा के और अपने खाते को नॉर्मल करा सकता है। एनपीए से उसको बाहर निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा भूमि सुधार और विकास बैंक के ऋणी किसानों को इस घोषणा से सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खाते इन बैंकों द्वारा एनपीए घोषित कर दिए गए थे और किसान अपने ऋणों को अदा नहीं करवा पा रहे थे, अब इस घोषणा के बाद किसान अपनी फसलों के ऋण खातों का चक्र बदलवा सकते हैं। उन 85,000 फार्मर्स हैं जिन्होंने इन कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया हुआ है, जिसमें से 32,000 ये एनपीए हो गए हैं। इनका जो इंटरेस्ट है ये 12% से 15% अलग अलग इसके रेट होते हैं, उसमें कुल 800 करोड़ रुपए तो प्रिंसिपल है, बाकी सब ब्याज और पेनल्टीज ये उसके ऊपर लगाई गई हैं। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं जिनके लोन हैं। एक 5 लाख रुपए से कम, यानी 3 श्रेणियां बनाई हमने, 5 लाख रुपए से कम, 5 से 10 लाख और 10 लाख रुपए से ऊपर। तो इनका अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको 12 से 15% का जो है उसको घटा करके जो 5 लाख रुपए तक के हैं वो केवल 2% इंटरेस्ट देंगे, और 5 से 10 लाख तक के वो 5% देंगे, और 10 लाख से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के लोन लिए हुए हैं, क्योंकि वो बड़े किसान हैं या किसानी के अलावा और भी काम करने वाले लोग हैं, हैवी संख्या में कम, उनको 10% इंटरेस्ट के साथ बाकी पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ करके ये अगर जमा कराते हैं। इनकी जमा कराने की जो अंतिम तिथि वो हमने 30 नवंबर रखी है, 30 नवंबर यानी 3 महीने का समय। आज हम सितंबर में बैठे हैं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये जमा कराते हैं तो इनको इसका लाभ हो जाएगा और कुल मिला के 1,800 करोड़ रुपए का लाभ इससे किसानों को होगा। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का ये फैसला किसानों को अपने साथ लाने का नजर आ रहा है। विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री को 5 साल बाद किसानों का दुख नजर आया है।